हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पनीर लबाबदार की रेसिपी। इसको मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है। इसकी ग्रेवी जो होती है बहुत ही थिक होती है, बहुत ही क्रीमी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसको। पैन को अच्छे से गर्म करके मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें अब हम 3 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि जो गर्म मसाले का फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। इसके बाद हम इसमें 2 बड़ी प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, उसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से पिंक कलर तक होने तक हम भूनेंगे। प्याज का हल्का पिंक कलर आ गया है। अब इसमें मैं 2 से 3 रफली चॉप्ड टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 8 से 10 काजू ऐड कर रही हूँ। काजू से ग्रेवी का बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। फिर इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल के ढक दूंगी ताकि प्याज टमाटर और काजू का जो मिक्सचर है अच्छे से पक जाए। इसको मैं 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। 5 मिनट बाद ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसको गैस को बंद करके ठंडा होने देंगे। मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। एक दूसरी कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून और ऑयल ऐड किया है और उसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 1 रफली चॉप हरी मिर्च उसमें ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि मसाला जो हमारा होता है अच्छे से पक जाए। इसके बाद जो 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है वो ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा इसके बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच और सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमारा जो मिक्सचर था जो हमने ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को मैं 8 मिनट तक पकने दूंगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और ऑयल सरफेस पर आ जाए। 8 मिनट तक मैंने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है। इसका ऑयल भी सरफेस पर आ गया है। अब मैं इसमें पनीर ऐड करूंगी। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। थोड़ा सा पनीर मैंने इसके लिए बचा लिया था गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी हमारा ग्रेवी का मसाला है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसको फिर हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए, फर्दर इसको पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, पनीर अच्छे से पक गया है, साथ में इसके मसाले इसके एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से तवे पे भून लिया था और इसको क्रश कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को अच्छे से पक जाने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब इसमें मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये होममेड क्रीम है, आप चाहें तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं।
पनीर लबाबदार को मैंने ग्रेटेड पनीर और हरा धनिए से गार्निश किया है। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप पूरी, पराठे, रोटी, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।